सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम कुछ रिफर्बिश्ड फ़ोन के बारे में बताएंगे। रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्वालिटी होती है, बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीवोस के कुछ आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन दिखाए जाएंगे, क्या इनमें रैम रहती है, क्या इनमें फ़ीचर्स रहते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को करना लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, क्या आपको उसमें बाय करना चाहिए, आपको क्या परचेज करना चाहिए, एक हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको डेली अपडेट नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आ जाएगी। तो इससे स्टार्टिंग करते हैं। रिफर्बिश्ड में क्या चीज़ रहती है, नए होते हैं, पुराने होते हैं, क्या होते हैं, आज आपको बताएंगे। रिफर्बिश्ड फ़ोनों को आपको कंडीशन नहीं कह सकते हैं, और आपको चीज़ बिल्कुल नई मिल जाती है, प्लस दाम कम में मिल जाती है, आपके पैसे सेव हो जाते हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन में। पर उसमें क्या बाय क्वालिटी रहनी चाहिए, नए वाली रहती है या नहीं, वो आपको पता करेंगे इस बार वीडियो में। वीवो में देख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। बात करें मॉडल की, देख सकते हैं वीवो का Y81 फुल डिस्प्ले का आपको फ़ोन है रिफर्बिश्ड। नए की बात करें, नया आपका ये जो प्राइस लॉन्च हुआ था, इसके अंदर आपको 16 से 17 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ था, और ये आपको रिफर्बिश्ड है। तो ये रिफर्बिश्ड कितने का मिलना चाहिए, आजकल आपको पता है ऑनलाइन साइटों पे भी रिफर्बिश्ड आपको मिलने लगे हैं फ़ोन, देख सकते हैं 6 महीने वारंटी, 1 साल वारंटी के में अमेजोन फ्लिपकार्ट आपको सेल दे रहा है रिफर्बिश्ड। और वही फ़ोन आपको सारा बताया जाएगा कि क्या बाय होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए यूज़ में आपके अच्छे रहते हैं नहीं। इसी में देख सकते हैं वीवो का एक अदर मॉडल मिल जाता है Y83, जिसमें आपको 6 GB रैम के साथ मिल जाती है। उसी में अदर में आपको मिल जाता है वीवो का Y53, जिसमें आपको 3/32 में, तो सारे ही मेरे ख्याल से लगभग आपको वेरिएंट मिल जाते हैं। बात करें 3/32 के अंदर, 4/64 के अंदर, 4/128 के अंदर और 6/128 के अंदर, ये 4 वेरिएंट आपको काफ़ी अच्छे रिफर्बिश्ड फ़ोन मिल जाते हैं, जो आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ही आपको दिखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या हमें सारे बाय फ़ोन करने चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छे रहते हैं, क्या हम इनको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए काफ़ी फ़ोन अच्छा रहेगा या नहीं। तो एक एक करके हम जानते हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं वीवो का Y53 एक स्मॉल साइज़ फ़ोन आप कह सकते हैं। साइज़ की बात करें, काफ़ी कस्टमर काफ़ी बोलते हैं कि साइज़ छोटा है, साइज़ छोटे के हिसाब से इसमें क्या फ़ीचर रहना चाहिए वीवो Y53। बात करें नए की, जो इसका नया प्राइस लॉन्च हुआ था 12 से 13 हज़ार रुपये का लॉन्च हुआ था, और रिफर्बिश में देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल नहीं आती है, तो आपको चीज़ देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल नहीं मिलती है। और प्राइस की बात करें, प्राइस भी इसमें काफ़ी आपको सेव मिल जाते हैं, काफ़ी आपकी सेविंग हो जाती है। एक रिफर्बिश्ड फ़ोन हम कह सकते हैं कि आपको कम दाम में एक चीज़ नहीं मिल जाती है, नए में आपको क्वालिटी भी बिल्कुल नई जैसी मिल जाती है। बात करें एक डिस्प्ले, देख सकते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह आपको बिल्कुल काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, इसमें आपको हम ये नहीं कह सकते कोई ख़राब वगैरह चीज़ अच्छी मिल जाती है। टच में बात करें, मैं एक टच चेक कर लेता हूँ क्या इसकी रिस्पॉन्स रहता है टच का, ये देख सकते हैं टच भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स हो रही है, जो हम एक ओरिजिनल डिस्प्ले या क्या बोलते हैं ओरिजिनल मोबाइल जो आपका रिफर्बिश नहीं कहलाता उसको कह दें, उसमें कंपेयर करें चीज़ दोनों आपको सेम मिलने वाली है। बात करें स्मूथनेस की, ये देख सकते हो मैं कीपैड आपको काफ़ी फास्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। बात करें इसमें आपका अंदर सॉफ्टवेयर क्या रहने वाला है, क्या कुछ चेंज किया है रिफर्बिश में या वही चीज़ है आपकी, देख सकते हैं सेम आपको ओरिजिनल वाली चीज़ मिल जाती है, सेम बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी हम देखें, कैमरे की क्वालिटी क्या रहती है, देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको कैमरा मिल जाता है, फीचर भी सेम आपको सारे ओरिजिनल मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से रिफर्बिश्ड फ़ोन जो हम कहते हैं कि बाय करनी चाहिए नहीं, मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन आपका क्या बोलते हैं एक नई कंडीशन में जिसको नया गिफ्ट करना हो उसको काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं, सेविंग हो जाती है, एक चीज़ आपको हाफ दाम में मिल जाती है रिफर्बिश्ड फ़ोन, आप नए में भी दे सकते हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है। बात करें नए की रिफर्बिश में आपको ये सब चेंज मिलता है, कंपनी खुद असेंबल करके देती है, तो इस चीज़ अच्छी मिल जाती है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे दाम मिल जाते हैं, कुछ ख़राब भी होती है तो कंपनी खुद ही रिपेयर करके इसमें आपको मिल जाती है, बाकी चीज़ ये आपको ओके मिल जाती है। तो ये Y53 का आपने मैंने क्वालिटी दिखाया, काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वालिटी है, तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। बात करें प्राइस की, प्राइस में आपको क्या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक और नंबर दे दूंगा, प्राइस जानने के लिए आप वहाँ पर
कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक दोनों ही मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप कॉल या मैसेज कर सके। रेट भी जान सकते हैं क्या इनका प्राइस रहने वाला है, क्या आपको इनको क्वालिटी या क्या प्राइस के साथ क्या मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप प्राइस भी जान सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा मॉडल की बात करें, देख सकते हैं इसी में आपको मिल जाता है वीवो का Y67। बात करें Y67 आपको 464 के अंदर आ जाता है। इसमें दो कलर कंपनी ने लॉन्च करे हैं, रोज़ गोल्ड और गोल्ड। काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। बात करें कंपनी में, जैसे सकते हैं आप सील पैक फ़ोन लेते हो, ट्रिंक आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको प्रीफर्बिश फ़ोन में भी प्रॉपर एक नए की लुक मिल जाती है और काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं, तो अच्छी आपको क्वालिटी मिल जाती है। यूज़ करके देखते हैं इसमें भी क्या आपकी क्वालिटी मिल जाती है। टच की बात करें, टच में आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथनेस, बिल्कुल अच्छी चीज़ मिल जाती है कि हम एक नॉर्मल फ़ोन यूज़ करना चाहते तो हम यूज़ कर सकते हैं। स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मूथ है। फास्ट की बात करें, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको बिल्कुल रिस्पांस मिल जाता है, लाइक न्यू रिस्पांस मिल जाता है। स्मूथनेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्लस इसमें आपको इस मॉडल के अंदर Y67 464 मिल जाता है। 464 में काफ़ी अच्छा सस्ते बजट के अंदर फ़ोन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है, देख सकते हैं। मार्केट में काफ़ी मॉडल आज की डेट में आपको पता होगा काफ़ी सारा मॉडल काफ़ी आ चुका है, काफ़ी बिक भी रहा है, कस्टमर का रिव्यू है, तो इसी कारण हमने भी आपको रिव्यू दिया कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है 464 के अंदर, काफ़ी अच्छा स्मूथनेस, बिल्कुल आपको फील नहीं आएगा कि रिफर्बिश, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा फील आ जाती है। रिफर्बिश में भी बिल्कुल फिंगरप्रिंट वगैरह सब स्मूथ काम कर जाता है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बॉडी क्वालिटी एंड क्रोम क्वालिटी भी बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिल जाती है। ये आपका लेंस है, इसके बाद देख सकते हैं हटाने के बाद बिल्कुल क्लियर आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा बिल्कुल क्लियर कैमरा आपको मिल जाता है। फ्रंट में बात करें, फ्रंट का भी अच्छा मिल जाता है। बात करें पॉली बैग, बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे आपको सील पैकिंग मिलती है वैसे आपको पॉली बैग मिल जाती है। रेट की बात करें, काफ़ी अच्छा इसमें हाफ रेट में आपको मिल जाता है। नए की बात करें 15-16 हज़ार रुपये का आपको ये वीवो का जो मॉडल था लॉन्च हुआ था। रेट भी काफ़ी इसमें अच्छा मिल जाता है, काफ़ी सेव हो जाते हैं। रेट जानने के लिए मैं अगेन कहूँगा इंस्टाग्राम या आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, वहाँ पर जाके कॉल या मैसेज करके आप इसके रेट्स जान सकते हैं और अपना ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ऑर्डर के लिए आपको ये सारे मिल जाएंगे, ऑनलाइन हमारा ऑर्डर रहता है, प्रीपेड ऑनली आपको डिलीवरी भी मिल सकती है। किसी को सस्ते दाम में नया फ़ोन चाहिए तो ये उसके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। दिवाली आने वाली है, दिवाली पे गिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा मॉडल आने वाला है। इसमें आपको रेड कलर मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, रोज़ गोल्ड मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा दिवाली गिफ्ट होने वाला है, पैसे काफ़ी अच्छे इसमें वो बचने वाले हैं। तो ये ऑर्डर करने के लिए आप ऑर्डर लगा सकते हैं, आपको सारे मॉडल मिल जाएंगे अवेलेबल, सारा हमारा स्टोर पे आपको सारा स्टॉक मिल जाता है। क्वांटिटी में बात करें, क्वांटिटी भी आपको इस स्टोर पे सारी मिल जाती है, किसी को 10-15 पीस चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं वीवो का Y67 जो हमारा कवर हो गया 464 के अंदर, काफ़ी अच्छा बड़ा मॉडल आपको मिल जाता है। इसी में बात करते हैं वीवो का Y81, देख सकते हैं इसमें आपको ब्लैक मिल जाता है, गोल्ड रोज़ गोल्ड मिल जाता है, ब्लैक तीनों मिल जाते हैं। 4128 बजट के अंदर 4128 मिल जाता है, प्लस आपको फुल डिस्प्ले मिल जाती है, देख सकते हैं फुल डिस्प्ले मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ एक बिल्कुल आप चीज़ आपको पता होगा मार्केट में फुल डिस्प्ले 4128 वाला आप लेने जाएंगे नया 15-16-17 हज़ार से कम आपको नहीं मिलेगा। वीवो का फ़ोन वीवो में अच्छी ब्रांड में मिल जाएगा, 15-16 हज़ार रुपये आपको लगाने ही पड़ेंगे जो इसमें अंदर आपको वेरियंट मिलता है। ये वाला आपको 11-12 हज़ार के बीच में जो अभी रीफर्बिश के फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाला है, इसका प्राइस रेंज आपको मिलने वाला है 4000-5000 के बीच में। तो प्राइस रेंज में आपको डिफरेंस मिलने वाला है 50% तक। तो हाँ, प्राइस रेंज के मामले में कह सकते हैं कि आपको रीफर्बिश फ़ोन लेने चाहिए, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। सेकेंड हैंड से कंपेयर करें, सेकेंड हैंड्स के मुकाबले रीफर्बिश फ़ोन आपको अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको कंडीशन की कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, कंडीशन आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलने वाली है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी लाइफ की। सेकेंड हैंड मोबाइल जैसे कि पता होता है कि आप 1 साल यूज़, 2 साल यूज़, 3 साल यूज़ अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग आपको मिलने वाले हैं। रीफर्बिश में क्या रहता है इसकी लाइफ, रीफर्बिश में लाइफ हमारी क्या रहती है, ये जो हमारे रीफर्बिश फ़ोन होते हैं ये असेंबल्ड कंपनी के थ्रू होते हैं, कंपनी ही इनको असेंबल करती है, डिस्प्ले हो गया, बॉडी हो गया, जो भी पार्ट है, जो भी डिफेक्ट होता है फ़ोन में उसको चेंज कंपनी के थ्रू कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। जी हाँ, तो लाइफ इसकी बहुत ही सेकंड हैंड के मुकाबले कम रहने वाली है, यानी कि आपको इसकी लाइफ सेकंड हैंड से ज़्यादा रहने वाली है। जी हाँ,
सेकेंड हैंड से ज़्यादा कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं ये वाले फ़ोन। आपको देख सकते हैं कंडीशन, किसी का बैक पैनल चेंज होता है या किसी की डिस्प्ले अगर कोई टूटी फूटी होती है तो वो चेंज होती है, ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं मिलने वाली है। कंपनी इसको बिल्कुल ओके करके बेचने वाली है। तो रिफर्बिश्ड फ़ोन यही होते हैं जो आपको हल्के बहुत डिफेक्ट होते हैं, कंपनी के पास रिटर्न चला जाता है फ़ोन, उसमें कंपनी उसको ठीक करके उसको बैक पैनल लिया, जैसे किसी का बैक पैनल टूटा होता है या डिस्प्ले टूटी होती है, उसको कंपनी चेंज करके रिफर्बिश्ड फ़ोन की तरफ निकाल देती है। तो रिफर्बिश्ड फ़ोन होते नए ही हैं, बट उसमें क्या होता है आपको सेकेंड हैंड के प्राइजेस में मिल जाते हैं। बिल्कुल आपको रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद सकते हैं, दिक्कत कोई परेशानी आने वाली नहीं आने वाली है। अब बात करें ये कैसे ख़रीदा जाए। रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस मिलेगा शॉप का, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी शॉप की जिसपे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिलीवरी करानी है, आपको ऑल इंडिया डिलीवरी भी मिल जाएगी, प्रीपेड पेमेंट डिलीवरी रहने वाली है। व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जो भी मॉडल है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात की बात करें, दिवाली आ रही है, दिवाली पे क्या ऑफर रहने वाला है गोयल टेलीकॉम की तरफ से। गोयल टेलीकॉम की तरफ से ऑफर रहने वाला है, हर मोबाइल पे आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है। जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो को एक स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है, वही आपको 500 रुपीज़ का कूपन रहने वाला है जी। अब बाकी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर शो रहा होगा। जी हाँ, इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, लाइक जरूर कर देना, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे फ़ोन्स के साथ और अच्छी अच्छी डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।